दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर जमान ने ठोका दोहरा शतक, 66 बॉल 208 रन तोड़ दिया क्रिस गेल का रिकॉर्ड। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे, उससे पहले फखर जमान और सैम अयूब में से पाकिस्तान टीम का बेहतर ओपनर बल्लेबाज आप किसे मानते हैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं, और हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले T20 वार्म अप मैच में फखर जमान ने दोहरा शतक ठोक दिया। दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच इस कांटेदार मुकाबले में पहले नसीम ने 5 विकेट झटके और बाद में फखर जमान ने नवाज 208 रन जड़ दिए। दरअसल मैच का टॉस जीतकर कीवी टीम ने पहले 20 ओवरों में 8 विकेट पर 235 रन बना दिए। इसमें कप्तान टॉम लैथम ने 144 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों कीवी टीम ने 235 रन बनाकर पाकिस्तान टीम को हल्के में ले लिया, जिसके बाद मैदान पर ओपन करने उतरे दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक। दोस्तों इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले खत्म होने तक टीम का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 88 रन तक पहुंचा दिया, जिसके बाद फखर के बल्ले से अर्धशतक निकला। इसके बाद फखर जमान अपनी बल्लेबाजी की रनगति और तेज बढ़ा दी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम ने 235 जैसा बड़ा स्कोर महज 18.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया। दोस्तों इस दौरान फखर जमान ने 66 गेंदों में नवाज 208 रन बनाए। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 51 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों फखर जमान की इस बेहतरीन पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। धन्यवाद।